Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic insect pest of sorghum, maize and wheat under the course pest of crops and stored grains and their management. So this is the list. Under sorghum and maize, we will discuss stem borer, that is Caelocartellus, sorghum shoot fly, that is Atharigona socata. And in wheat, we will discuss stem borer, that is pink stem borer, Sesamia inferens, and termite, Odontodermis rubensis. Insect pest of sorghum and maize. The first insect is stem borer, that is Caelocartellus, which belongs to Paralidae and order Lepidoptera. Identification of the pest, agar dekhen, to egg jo hai, wo scale like dikhta hai, flat oval shape ka hota hai, batches mein ek laying hoti hai, aur egg laying hoti hai. लीव्स के नीचे की तरफ अंडर सरफेस ऑफ लीव्स में और मिड रिब के आसपास एग लेइंग करता है. लार्वा जो है वो येलोविश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का उसका हेड होता है, प्रोस्थेटिक शील्ड पाया जाता है. प्यूपेशन जो है, चूंकि स्टेम बोरर है तो स्टेम के अंदर प्यूपेशन होता है. एडल्ट जो है, मोथ जो है वो मीडियम साइज का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है. सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो तीन मेन सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं. सबसे पहला सिम्टम्स होता है रेड डेड हार्ट, जो विदरिंग एंड ड्राइंग करता है, मतलब सेंट्रल शूट से ड्राइंग हो रही है तो वो डेड हार्ट कहलाता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा रेड माइनिंग होती है मिड रिब की रेड माइनिंग होती है. और चौथा जो है शॉर्ट होल्स दिखाई देते हैं या पिन हेड साइज होल्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर वर्ल ऑफ द न्यूली ओपन फ्लावर्स या फोल्डेड लीव्स के तरफ जो है आपको शॉर्ट होल्स दिखाई देते हैं. तो ये तीन मेन सिम्टम्स है, डेड हार्ट, रेडनिंग एंड शॉर्ट होल्स. ये सिम्टम होता है Caelocartellus या स्टेम बोरर का. ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में सबसे पहला जो है एक बैचेस का फोटोग्राफ है, दूसरा लार्वा का, तीसरा प्यूपा का, और ये Caelocartellus के एडल्ट का फोटोग्राफ है. अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम डेड हार्ट को शो करता है, दूसरा सिम्टम्स होल्स को, और थोड़ी बहुत रेडनिंग भी दिखाई दे रही है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मिड रिब में. और ये शॉर्ट होल्स, शॉर्ट होल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट होल्स मीन्स जैसे कि एग्जैक्टली जब बंदूक से कोई गोली चलती है तो आर पार निकलती है तो एक होल जो बन जाता है उसी को शॉर्ट होल्स बोलते हैं. तो उस जैसा सिम्टम्स हमको दिखाई देता है, शॉर्ट होल्स दिखाई देते हैं. ये सिम्टम होता है Caelocartellus का. और ये रेड माइनिंग जो है, तो ये तीन सिम्टम्स को शो किया गया है. लाइफ साइकिल की बात करें तो 7 डेज का एक पीरियड है, 28 टू 35 डेज लार्वल पीरियड, प्यूपा 7 टू 8 डेज में है, और एडल्ट 3 टू 5 डेज में मेटिंग करके तैयार, मेटिंग के लिए रेडी हो जाता है. अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ETL देखते हैं तो 10% डैमेज में हम लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स स्टार्ट कर देना चाहिए. क्या क्या हम लोग मेजर्स यूज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में? काउपी को एज ए इंटरक्रॉप हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको 4:1 में लगाना है. लाइट ट्रैप लगा के हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं. फिर कुछ इंसेक्टिसाइड है जैसे फॉरेट है, कार्बोफ्यूरॉन है, कार्बराइल, इनका स्प्रे करके हम Caelocartellus को मैनेज कर सकते हैं. दूसरा इंसेक्ट है शूट फ्लाई सोरघम का, Atharigona वेरिया सुकाटा, ये म्यूसिडी से बिलोंग करता है, डिप्टेरा है. एग जो है वो सिंगली इसकी एग लेइंग होती है वेंट्रल सरफेस में, और थर्ड एंड फोर्थ लीव्स ऑफ सीडलिंग्स पे एग लेइंग करता है. इसके एग जो है बहुत बढ़िया शिकार शेप्ड के दिखाई देते हैं या फिर बोट शेप्ड के दिखाई देते हैं, शिकार शेप्ड या बोट शेप्ड के दिखाई देते हैं. मैगट्स जो है, फुल ग्रोन मैगट्स जो है वो पेल येलोइश कलर का दिखाई देता है. प्यूपेशन जो है वो स्टेम के अंदर होता है. फ्लाई जो है इसकी 3 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और डार्क ग्रे कलर की, हाउस फ्लाई की जैसे दिखाई देती है. और इसके अब्डोमेन सेगमेंट्स में 2 रो होते हैं, 6 डार्क स्पॉट्स के फीमेल में और 4 डार्क स्पॉट्स होते हैं केस ऑफ मेल. और एक जो फीमेल है वो 40 एग्स जो है वो ले कर सकती है, 40 एग्स दे सकती है. ये फोटोग्राफ्स है, पहला फोटोग्राफ जो है आपको दिख रहा है सिगार शेप्ड एग या बोट शेप्ड एग जो है ये इसका है, होता है शूट फ्लाई का. दूसरा मैगट है, पेल येलो कलर का दिखाई दे रहा है, फिर प्यूपा है, और फिर ये एडल्ट है. सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो डेड हार्ट कॉज करता है, सेंट्रल शूट से ड्राइंग दिखाई देती है. वैसे मेज या सोरखम में नंबर ऑफ टिलर्स नहीं पाए जाते, टिलर्स टिलरिंग
अमूमन नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ साइड टिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना है कि सोरगम में शूट फ्लाई का अटैक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है मोर नंबर ऑफ साइड टिलर्स। मोर नंबर ऑफ साइड टिलर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ सोरगम शूट फ्लाई, रेड माइनिंग डेड हार्ट साइड टिलर्स। एग जो है वो दो से तीन, एग पीरियड 2 से 3 दिन का, लार्वल पीरियड 6 to 10 days का, प्यूपल पीरियड 7 to 10 days का। पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हम लोग मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग को सीड रेट बढ़ा देना चाहिए। अमूमन अगर 10 kg पर हेक्टेयर सीड्स हम लगते हैं तो अप टू 12 to 12.5 kg पर हेक्टेयर इसको हमको कर देना चाहिए। तो हायर सीड रेट, अर्ली सोइंग करनी चाहिए हमको। अर्ली सोइंग करने से हम इसको, इसके इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, या तो फिर किसी ग्रैनुलर फिश मील ट्रैप का हम इस्तेमाल करते हैं इसके ट्रैपिंग के लिए, या फिर हम किसी ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड्स या पेलेटेड इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं सोगम शूट फ्लाई के मैनेजमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है फिश मिल ट्रैप लगाना है एट द रेट 12 per hectare टिल द क्रॉप इज 30 दिन का क्रॉप अगर है तो वहाँ पर हम लोगों को 12 fish meal trap हमको लगाना चाहिए 1 hectare में। फिर उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो नर्सरी में मिथाइल डिमेटोन डाला है 12 ml per hectare, डाइमिथियोएट 12 ml per hectare, और मेन फील्ड में इसका डोज जो है वो चेंज हो जाएगा, मिथाइल डिमेटोन 5000 ml per hectare, डाइमिथियोएट 5000 ml per hectare। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोरेट का कर सकते हैं, कार्बोफ्यूरॉल, ये दोनों ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड्स है, तो किसी भी ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ सोरगम शूट फ्लाई। अब दूसरा है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट। वीट का पहला पेस्ट है पिंकी स्टेम बोरर, जिसको बोलते हैं सिसेमिया इन्फेरेंस। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर हम लोग देखें तो डैमेज जो है वो कैटरपिलर कॉज करता है, चूँकि पिंक स्टेम बोरर नाम है तो ये पिंकिश कलर का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, 25 mm तक इसकी लंबाई हो सकती है, और मॉथ जो है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो एपिडर्मल लेयर्स, लीफ शीट के एपिडर्मल लेयर्स में कैटरपिलर बोर करते हैं, और बोरिंग करने के बाद जो है शूट ड्राई हो जाती है, जिसको हम लोग डेड हार्ट्स बोलते हैं। एक प्लांट में अटैक करने के बाद लार्वा जो है दूसरे एडजॉइनिंग प्लांट्स में मूव कर जाता है, फिर दूसरे प्लांट को अटैक करने के लिए चला जाता है। ये एग्स हैं, ये एग के फोटोग्राफ है, और देखिए लार्वा पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है, पिंक स्टेम बोरर सिसेमिया इन्फेरेंस, फिर ये प्यूपा है और ये सिसेमिया इन्फेरेंस का एडल्ट है। लाइफ साइकिल 7 to 12 days एग पीरियड, लार्वल पीरियड 25 to 54 days, प्यूपल पीरियड 8 to 12 days, और एडल्ट जो है वो मेटिंग के लिए 3 से 5 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, एग लेइंग के लिए तैयार हो जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्टबल्स को सबको हमको हटा देना चाहिए, और प्लविंग एंड फ्लडिंग कर देना चाहिए, क्लिपिंग कर देना चाहिए लीफ टिप्स की। ट्राइकोकार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसके, ट्राइकोग्रामा जो है वो एक एग पैरासिटॉइड होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ट्राइकोकार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 5% से ज़्यादा हमको डेड हार्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो हमको केमिकल कंट्रोल की तरफ हम जा सकते हैं, ट्राइजोफॉस 2.5 liter, क्लोरपाइरीफॉस 250 liter ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है टर्माइट, ओडोंटोटर्मस ओबेसस या ओडोंटोटर्मस ओबेसी बोल सकते हैं। टर्मिटिडी से बिलोंग करता है, आइसोप्टेरा है, एक सोशल इंसेक्ट है। एग जो है डल किडनी शेप्ड दिखाई देते हैं, 30 से 90 दिन लगता है एक हैचिंग करने में। निम्फल पीरियड्स जो है मोल्टिंग होती है 8 से 9 times और 6 to 12 months का होता है निम्फल पीरियड। एडल्ट जो है वो क्रीमी कलर का होता है, टाइनी इंसेक्ट है और आंट के जैसा दिखाई देता है, डार्क कलर का उसका हेड होता है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सेमी सर्कुलर फैशन में फीड करता है, सेमी सर्कुलर फैशन में फीड करता है लीव्स में, और रूट्स पे अगर ये फीड करता है तो पार्शियली इटन रूट्स आपको दिखेंगे, मतलब रूट्स के साथ साथ स्टेम्स में, इवन डेड टिश्यूज में, मतलब सारे होल पार्ट में, प्लांट के पार्ट में टर्माइट जो है वो अटैक करता है, और डैमेज के तुरंत बाद जो है वो पूरी ड्राइंग हो जाती है और आप इजीली उसको पुल्ड आउट करके बाहर निकाल सकते हैं प्लांट को, इतना ज़्यादा वो डैमेज कर देता है। उस तरीके से टर्माइट का डैमेज है।
ये डैमेजिंग सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से वो अपरूटेड हो गया है। आप बिल्कुल सिम्टम्स आने के बाद आसानी से वो प्लांट कोई काम कर नहीं रहता, पूरा ड्राई अप हो जाता है, पूरी विल्टिंग हो जाती है। थोड़ा सा लाइफ साइकिल डिफरेंट है होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्माइट जो है वो सोशल इंसेक्ट है और इसमें जो है डिफरेंट कास्ट पाई जाती है, जैसे किंग, क्वीन, वर्कर और सोल्जर। तो सबसे पहले जो अलेट फॉर्म है, मतलब जिसमें पंख पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स, जो कि किंग और क्वीन होता है, और जो कि विंगलेस फॉर्म है उसको बोलते हैं वर्कर एंड सोल्जर। तो जो क्वीन है और किंग है उनके बीच में मेटिंग होती है, और मेटिंग होने के बाद सबसे पहले तो वो नपचल फ्लाइट लेते हैं। नपचल फ्लाइट लेके जो है वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को चढ़ा देते हैं। विंग्स को चढ़ाने के बाद वो गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद नपचल चेंबर बनाते हैं। उस चेंबर में जाकर सेवरल टाइम्स उनके बीच में मेटिंग होती है, और मेटिंग होने के बाद क्वीन जो है वो एग लेइंग करना स्टार्ट करती है। वो क्वीन जो है उसका देखिए फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है कि उसके अबडोमन जो है एकदम स्वेलन रहता है, जहाँ पर वो 4,000-5,000 ओवेरियोल्स उसके पास प्रेजेंट रहते हैं, वो एग को कलेक्ट करके रख सकती है। इतना ज़्यादा मतलब स्पर्म को वो कलेक्ट कर लेती है, और फर्टिलाइजेशन जो है क्वीन फिर अकेले उसके अबडोमन में फर्टिलाइजेशन होता रहता है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है, जो स्वलन अबडोमन है, उस कंडीशन को फाइसोगैस्ट्री कहा जाता है। फाइसोगैस्ट्री कंडीशन पाई जाती है क्वीन में, तो और एक किंग जो है वो अलेट फॉर्म है। फिर ये एग लेइंग करना स्टार्ट करता है, फिर निम्फल पीरियड हमने देखा कि 8-9 टाइम्स मोल्टिंग होगी, और 6-12 वीक्स जो है उसको लगेंगे फूल वो बनने में। तो ये दो फॉर्म्स है, एक तो वर्कर टर्माइट होता है, सोल्जर टर्माइट होता है। वर्कर टर्माइट का क्या मतलब, ये दोनों फीमेल है, ठीक है। क्वीन जो है वो होती है फर्टाइल फीमेल, किंग जो है वो होता है फर्टाइल मेल, और वर्कर और सोल्जर होते हैं स्टराइल फीमेल। ये दोनों फीमेल है लेकिन स्टराइल हैं। स्टराइल मतलब इनके पास एग लेइंग की कैपेसिटी नहीं है, ये मेटिंग नहीं करते ना ही एग लेइंग करते हैं। तो ये वर्कर टर्माइट्स जो हैं ये सारे कॉलोनी के ऑड वर्क करते हैं, जैसे कि साफ सफाई, खाना लाना, वेंटिलेशन, ये सब। सोल्जर टर्माइट क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जितने भी प्रेडेटर्स हैं उनसे पूरे कॉलोनी की रक्षा करते हैं। तो जो आपने फील्ड में देखा है जिस टर्माइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली वर्कर टर्माइट है। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनी के लिए खाना लेने जा रहा है, इसलिए वो कॉलोनी के बाहर आके जो अटैक कर रहा है प्लांट में, दैट इज नथिंग बट अ वर्कर टर्माइट। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट लाइफ साइकिल है टर्माइट की, और इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। जैसे कि क्वीन और किंग होता है, क्वीन जो है वो फर्टाइल फीमेल है, किंग जो है वो फर्टाइल मेल है। वर्कर्स हैं, वर्कर्स जो है वो स्टराइल फीमेल है, जो कॉलोनी के सारे ऑड वर्क्स करती है, कॉलोनी के लिए खाना लाती है। और सोल्जर्स जो हैं वो रक्षा करने का काम करता है। ये दो टाइप का हो सकता है, मैंडिबुलेट्स और नैस्यूट टाइप्स। वो उनके जॉस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, मैंडिबुलेट टाइप और नैस्यूट टाइप। अगर हम लोग कंट्रोल की बात करें तो डीप प्लविंग करना चाहिए, समर प्लविंग करना चाहिए 10 दिन के अंतराल में, वेल रॉटन फार्म यार्ड मैन्योर डालना चाहिए, लेट सोइंग को अवॉइड करना चाहिए, क्रूड ऑयल इमल्शन जाना चाहिए जो टेंटोरियम है, जो टर्माइट की कॉलोनी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैकेनिकल कंट्रोल में टर्मिटेरिया जो है, टर्मिटेरिया माउंट्स हैं जो सबको, उसको हटा देना चाहिए। आसपास फील्ड के पास जो भी आपको टर्माइट के माउंट्स दिखाई दे रहे हैं उन सबको हटा देना चाहिए। नीम केक डालिए 80 kg पर एकड़। थायोमिथेक्साम यूज़ कर सकते हैं 30% 1.32 kg पर 40 kg ऑफ सीड्स। क्लोरपाइरीफॉस 20% ईसी एट द रेट 3-4 ml पर kg ऑफ सीड्स, और 0.8-1.2 liter पर एकड़ एज सॉइल एप्लीकेशन। इस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।